गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल नवरात्रि सीरीज चल रही है, जिसमें पहले मैंने दो वीडियो अपलोड की है, एक स्किन और दूसरी मेकअप की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है। आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना है इन त्योहारों में, अपने बालों की दशा और दिशा को सुधारना है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पूरे लुक पे हेल्दी हेयर का भी बहुत ज्यादा असर होता है। आपने अच्छा से अच्छा मेकअप करवा लिया और फिट बहुत अच्छे हैं, और हेयर अच्छे नहीं, हेल्दी नहीं, रूखे सूखे बाल हैं, बालों में कोई चमक नहीं है, ड्राइनेस है, फ्रिज पड़े रहते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल करवाओगे उसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, अपने हेयर हेल्थ को बूस्ट करना चाहते हैं, तो सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक फैंटेस्टिक डीआईवाई हेयर ट्रीटमेंट, जिसका स्टार इंग्रेडिएंट है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क आपके बालों को बहुत ही रेशमी मुलायम बना देता है, ये आपके हेयर के ग्रोथ को अच्छा करता है। वो तो लंबे समय की बात है, लेकिन आप केराटिन भी करवाना चाहते हैं त्योहारों में और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं उसकी वजह से रुक रहे हैं, तो ये वाला हेयर मास्क जरूर ट्राई कीजिए। कोकोनट मिल्क से हमारे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रिज दूर होता है बालों से, अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे, बालों में इंस्टेंट शाइन आती है। लॉन्ग रन की तो बात छोड़ ही दीजिए, जब जैसे ही आप लगाते हैं बालों में वैसे ही बहुत ही चमक आ जाती है, शाइन आ जाते हैं। इसमें टैंगल फ्री करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। समझिए कि केराटिन वाला रिजल्ट आप एक बार वन टाइम यूज आप करेंगे उसी में आ जाएगा। कोकोनट मिल्क प्रमोट हेल्दी हेयर ग्रोथ, इट्स पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स, एकदम से आपके बालों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, समझ लीजिए कि नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। जैसे ही शैम्पू करते हैं हम, उसके बाद कंडीशनर लगाते हैं, उसी तरह से आप कोकोनट मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। लगा के 10-15 मिनट तक रखिए और सिर्फ पानी से अपने बालों को धो दीजिए, और देखेंगे आपके बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। कोकोनट मिल्क बनाना घर पे बहुत ही आसान है, लेकिन आप उतना नहीं करना चाहते हैं, समय की कमी है, तो आप मार्केट से ले लीजिए, बना बनाया रेडीमेड मिल जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और इसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स हम और मिक्स करेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखिए किस तरह से इस मास्क को प्रिपेयर करना है, बालों पे अप्लाई करना है, कितनी देर तक रखना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले कोकोनट मिल्क बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने नारियल को कद्दूकस किया है, आप छोटे छोटे पीसेज में कट भी कर सकते हैं। इसे हम मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका गाढ़ा सा दूध चाहिए। अब एक पतला सा कपड़ा लेंगे, उसमें पिसा हुआ नारियल डाल के और अच्छे से निचोड़ लेंगे। बस इतना ही करना है, बिल्कुल प्योर कोकोनट मिल्क आप इस तरह से घर पे रेडी कर सकते हैं। इतना नहीं करना चाहते तो बना बनाया कोकोनट मिल्क पैक मार्केट में मिलता है, वो ले लीजिए। इस मिल्क को मैंने कुछ घंटों तक फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया। जल्दी में है, तुरंत यूज़ करना चाहते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है कि गैस पे रख देते हैं बॉयल होने के लिए, 5 से 7 मिनट तक बॉयल होके अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिए है 2 केले, और मिल्क भी आप देख सकते हैं कितना लिया है, तो अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। आपके बाल जितने लंबे हैं उसके हिसाब से आप दूध और केले को एक साथ मिक्सी जार में डाल के फिर से ब्लेंड करेंगे। केले डालने के 2 पर्पस हैं। नंबर 1, इसके फायदे तो आप जानते ही हैं, नहीं तो मैं आगे बताऊंगी। दूसरी बात है कि मिल्क थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तो हमारे बालों पे ये मास्क लंबे समय तक टिका रहेगा। 1 चम्मच डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल, और इसके साथ ही अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, स्कैल्प पे खुजली है, इरिटेशन है, किसी भी तरह का स्कैल्प इशूज है, तो आप इसमें 1 बड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं। मेरे पास छोटे छोटे 2 हैं तो उसी को मैं डाल रही हूँ। नींबू लगाने से हमारे बालों में चमक भी आती है और किसी भी तरह के स्कैल्प इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस तरह से मैंने इन 4 इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डाल के ग्राइंड कर लिया है, और देखिए बिल्कुल स्मूथ सा क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी का हमारा ये हेयर मास्क कह लीजिए, हेयर स्पा कह लीजिए, केराटिन कह लीजिए, बन के रेडी है। सबसे पहले बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे, 1 दिन पहले हेयर वॉश कर लीजिए, क्योंकि कोई भी रेमेडी करते हैं तो अच्छे से क्लीन हेयर पे करेंगे तो वो अपना 100% रिजल्ट देगा। अब छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए पूरे बालों पे रूट से लेके एंड तक लगा लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोकोनट मिल्क के बारे में, व्हाई कोकोनट मिल्क इज सो अमेजिंग फॉर योर हेयर। ये हमारे बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, प्रमोट करता है हेल्दी हेयर ग्रोथ को।
क्योंकि इट्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक विटामिन सी, ई, बी, मैग्नीशियम है इसमें, पोटेशियम है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज होता है तो उसे रिड्यूस करता है। प्लस कोकोनट मिल्क हैज़ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़, तो इसे आप एज ए नेचुरल हेयर कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क ऑल हेयर टाइप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे हाइड्रेशन भी मिलता है। इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन यू कैन ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ ओलिव ऑयल। अगर आपके पास है ओलिव ऑयल तो डालिए, इट इज़ ग्रेट फॉर एडिंग शाइन एंड सॉफ्टनेस। मेरे पास अभी नहीं था तो इसकी जगह पे मैंने नारियल का तेल डाल दिया है। वैसे तो आप सिर्फ कोकोनट मिल्क अपने बालों पे लगाइए, कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। सारे पोषक तत्व तो आपके बालों को मिल जाएंगे, लेकिन इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने केले भी डाले हैं। बनाना में मौजूद प्रोटीन हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, फ्रिज को कंट्रोल करेगा। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे भी नियंत्रित करेगा। केले में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसे भी दूर करने का काम करेगा। अगर आपके बालों से चमक गायब हो गई है, हाइड्रेट नहीं रहते, बहुत ही रूखे सूखे से बाल होते हैं, तो केले और दूध या केले या दही के साथ मास्क बना के लगाइए, बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी। इस तरह से मैंने अपने बालों के रूट से लेके टिप्स तक इस क्रीम को अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा मेरे पास बच गया है, इसे वेस्ट नहीं करना है, ऊपर ऊपर से बालों में लगा लेंगे। बालों में लगाते समय ही इतना अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। इसी तरह से केराटिन करवा के हम अपने बालों को स्ट्रेट रखते हैं, पर हमें इस मास्क को कम से कम 30 मिनट्स के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो 45 मिनट से 1 घंटे तक रख सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। इतनी देर में हम कुछ और काम कर लेंगे। वैसे बालों को रखने से इधर उधर टपकेगा तो बन बना के एक क्लचर लगा लेंगे। हेयर मास्क को बालों के ऊपर 1 घंटे रखने के बाद, क्योंकि मेरे पास समय था तब तक घर का दूसरा काम किया, उसके बाद थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू लेके हेयर वॉश किया। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, लुक एट द शाइन एंड सॉफ्टनेस। मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट नहीं है, ड्राइनेस भी रहती है, उसके हिसाब से बेस्ट रिजल्ट है। अगर आप भी इन त्योहारों में अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ करवाना चाहते हैं लाइक केराटिन या हेयर स्पा वगैरह, तो एक बार इस कोकोनट मिल्क हेयर मास्क को जरूर लगा के देखिए, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। यू कैन यूज दिस मास्क वंस अ वीक फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। कोकोनट मिल्क अगर आप इजिली ढूंढ पा रहे हैं, वैसे तो घर में भी बनाया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से ले लीजिए। कई लोगों के पास समय नहीं होता है, वैसे तो घर में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। और इसके साथ कुछ और चीज़ें मिक्स की है, वो तो ईजिली आपको मिल ही जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है स्किन पे, मेकअप के ऊपर, तो आप लोग जरूर बने रहिए मेरे चैनल पे। आई होप यू एंजॉयड दिस इजी DIY कोकोनट मिल्क हेयर मास्क। इफ यू ट्राई इट तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके बालों पे इसने कैसा काम किया। वीडियो अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल या वीडियो कह सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाए, अच्छी जानकारी मिल पाए, और इस फेस्टिव सीजन में अपने लिए घर बैठे होम रेमेडी में बालों के लिए स्किन के लिए कुछ कर पाए। तो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। बाय।